अयोध्या के विकास में किसी का रोल है तो बीजेपी का ही था। मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थे, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। यही देन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। जिन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौकट नहीं ढांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ, मतलब इतना शर्मनाक बात है। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। जी बहुत बहुत ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि अब यहाँ तो एकदम उनका पूरा एक तरीके से हब था, यहाँ तो जीतना जरूरी था। बाकी अयोध्या में वैसे जीते हैं एक विधानसभा, लेकिन बहुत माइनर से वोट से जीते हैं, इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख है, अब इसमें शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से, उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। और बाकी अदर पार्टियां भी एक तरीके से गठबंधन करके जो अपना मतलब गुणागणित लगा रही हैं, इसमें से भी ज्यादा बेटर अगर यहाँ अयोध्या के विकास में किसी का रोल है तो बीजेपी का ही था। जी क्या कारण है? जी कारण इसमें यह है कि जो है मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थे, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। बाकी और जो है मनमुटाव, भीतरी मनमुटाव, इसका भी एक अहम इसमें रोल है। आप लोग दुखी हो? जी जी हम तो भाई दुखी हैं ही, क्योंकि एक पार्टी के वजह से नहीं, देखा जाए तो 500 साल बाद एक सनातन धर्म का जो यहाँ पे भव्य वो हुआ है, उसकी वजह से तो दुख है ही। बाकी अब आने वाले समय में क्या होता है तो ईश्वर ही जाने। आज ये लोग जमीन पर आ गए हैं, मान के चलिए जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे नेव में आ गए हैं। यही देन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। क्या वजह थी? वजह क्या थी? जिन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौकट नहीं ढांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। दुखी हम लोग अयोध्या से जीत गए हैं, ये जाकर 5वीं सीट पे जाकर 4 सीट पे हारे हैं, है ना। अब बलिया से भी साइकिल निकली है, अब इस दिन हम क्या कहें, अब कभी नहीं सुधरेंगे नहीं। जिंदगी भर लोग पत्तल चाटते हैं, चाटते रहेंगे। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा। अच्छा ये भाई, इन्हें आने से क्या हो गया? मोदी जी कुर्सी बैठे हैं, योगी जी यहाँ बैठे हैं, इनका टूटी डोलने वाली है। गए थे दिल्ली नीतीश, चंद्रबाबू नायडू गए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के स्नेह जिसको मिलना था ले गया तीसरा, वो नहीं होता। वो तो हारने के कारण इनका सांसद कभी किसी के चौकट से नहीं गया, पर्ची नहीं गया, इनका रोड सब साइकिल पे गया अयोध्या से, पूरा हलमान घड़ी सब संत महंत साइकिल पे चढ़ गए, हम लोग देखते रहे। कहीं ना कहीं कमियां थी, कमियां इनकी अब आएंगे जमीन पे आ गए। कहना बहुत दुख की बात है कि बहुत शर्म की बात है कि इस अयोध्या की मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आँख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब, पूरे अयोध्यावासी किसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए। लेकिन बहुत ही बुरा हुआ, ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब पूरा। बहुत ही बुरा लग रहा है, ये समझ लीजिए कि जब से हमने सुना है तब से बहुत ही खराब लग रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। वही आए ही हैं, वही सक्सेस ही हैं, लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये जान लीजिए इसका बहुत बुरा प्रभाव अयोध्या पर पड़ेगा, बहुत ही खराब पड़ रहा है इसका प्रभाव। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो ये काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है। और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है,
इससे हम लोग बहुत दुखी हैं जी। इसकी भरपाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। भगवान राम का मंदिर हुआ था, जी हुआ, राम का पद प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।